नमस्कार दोस्तों, मैं आरोही मैदान स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। तो चलिए चलते हैं अपनी खबर की। आज के अपडेट में हम आपको बताएंगे 2 अक्टूबर को कैसा रहेगा पूरे देश के मौसम का हाल। कहां-कहां तेज बारिश तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, इस वीडियो में पूरी जानकारी हम विस्तार से देंगे। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और अंत तक देखें ताकि आपको मिल सके पूरी जानकारी। मौसम की हर एक छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए जानते हैं देश भर के मौसम का हाल। सबसे पहले दिल्ली का मौसम। ताकतवर हो रहा साइक्लोन शाहीन, दिल्ली NCR में भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग के मुताबिक साइक्लोन शाहीन की वजह से अगले 12 घंटे के दौरान गुजरात के जामनगर, राजकोट, अमरेली, बोटाद, भावनगर, मोरबी, देवभूमि द्वारका, गिर सोमनाथ, पोरबंदर और कच्छ के अलावा महाराष्ट्र और कोंकण के कई हिस्सों में भारी और तेज हवाएं चल सकती हैं। 12 घंटे के अंदर और ताकतवर होगा साइक्लोन शाहीन। तेज हवा के साथ भारी बारिश की संभावना। गुजरात के ऊपर एक गहरा कम दबाव का क्षेत्र उत्तर पूर्वी अरब सागर और उससे सटे कच्छ के ऊपर एक डिप्रेशन में बदल गया है। आज शाम तक इसके और तीव्र होने पर एक गहरे डिप्रेशन में बदलने की संभावना है। अगले 12 घंटों में इसे चक्रवात शाहीन के रूप में और मजबूत होने के आसार बने हुए हैं। इसके बाद यह पाकिस्तान और मकरान तट के करीब पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और इसके बाद यह भारतीय मुख्य भूमि से दूर चला जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक साइक्लोन शाहीन की वजह से अगले 12 घंटे के दौरान देश के अन्य राज्य भी झेल रहे हैं बारिश की मार। वहीं देश के कई राज्य इस समय भारी बारिश की मार झेल रहे हैं। तमिलनाडु के नामाक्कल जिले में अचानक आई बाढ़ से अफरा तफरी मच गई। वहीं जम्मू कश्मीर में 2 महिलाओं के बाढ़ में बह जाने की खबर है। फिलहाल दोनों महिलाओं की तलाश जारी है। इन सब के अलावा बंगाल में भारी बारिश और साइक्लोन गोलाब के बाद भारी नुकसान पहुंचा है। कई लोग अभी भी बाढ़ के बीच में फंसे हुए हैं। फिलहाल पश्चिम बंगाल में राहत और बचाव कार्य सुचारू रूप से जारी रहे, इसके लिए सेना की 7 टुकड़ियां भेजी गई हैं। और चलिए जाने यूपी का मौसम। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वांचल के जिलों में भी या तो बारिश शुरू हो गई है या फिर शाम तक होने की संभावना है। लखनऊ और आसपास के जिलों में शाम तक तेज बारिश का सिलसिला चल सकता है। बारिश की रफ्तार इतनी है कि शहर के कई इलाकों में फिर से जलभराव की समस्या खड़ी हो सकती है। मौसम विभाग ने बारिश के दौरान आकाश में बिजली के खतरे के प्रति भी लोगों को सावधान किया है। बारिश के दौरान लोगों को बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। साथ ही कच्चे मकानों के नुकसान की भी आशंका जाहिर की गई है। इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उन जिलों में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बारिश के साथ आंधी के चलने की भी आशंका जाहिर की गई है। अगले 24 घंटे मौसम का हाल। मौसम एजेंसी स्काईमेट के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और तेलंगाना के, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, विदर्भ, आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय कर्नाटक, जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में हल्की और मध्यम बारिश हो सकती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो पर अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर दें और साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।